हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम घर की अर्थिंग करेंगे। सबसे पहले हम 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा कॉपर प्लेट लेंगे। दूसरा कॉपर वायर जिसका गेज नंबर 10 है। तीसरा 10 किलो कोयला। चौथा 10 किलो नमक। पांचवा काली मिट्टी। छठवा रेत। सातवा 4.5 फीट लंबा GI पाइप जिसका व्यास 2 इंच है, जिसमें 2 होल हैं। आठवा 3 इंच लंबा ब्रास का नट और बोल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा एक गड्ढा करेंगे। उसके बाद हम कॉपर प्लेट और GI पाइप लेंगे। फिर हम इस प्लेट पर होल करेंगे। अब हम ब्रास के नट और बोल्ट को लेंगे। फिर हम इस पाइप और प्लेट को नट और बोल्ट की सहायता से फिक्स करेंगे। अब हम कॉपर वायर लेंगे और उसे बोल्ट में लगाएंगे। फिर हम नट को टाइट कर देंगे। फिर हम इस पाइप को गड्ढे में रखेंगे। फिर हम सभी मटेरियल को एक के बाद एक थोड़े थोड़े मात्रा में डालेंगे। पहले हम रेत डालेंगे, उसके बाद काली मिट्टी, फिर कोयला, अब हम नमक डालेंगे। फिर हम इस गड्ढे को मिट्टी से भर देंगे। फिर हम यहाँ पर ढेर सारा पानी डालेंगे। अब चलिए देखते हैं अर्थिंग काम कर रहा है या नहीं। स्विच बोर्ड का राइट साइड लाइव और लेफ्ट साइड न्यूट्रल होता है। अब हम बल्ब लेंगे। अगर बल्ब का एक तरफ लाइव में जुड़ा है और दूसरा तरफ अर्थिंग में जुड़ा है और फिर बल्ब जलता है, इसका मतलब है कि अर्थिंग काम कर रहा है।
अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच का अंतर 5 वोल्ट आ रहा है। हमारा अर्थिंग अच्छे से काम कर रहा है।